दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है मैं हूं का मित्र अनुराग और आज का जो वीडियो है इट्स मोस्टली अ रिएक्शन वीडियो क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट है पब्लिश किया था कि, कि रिसेंटली जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो क्यों हो रहे हैं टू रिएक्ट ऑन दैट पार्ट लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ आप किसी भी मीडिया स्पेस पे कोई चीज पढ़ते हो डोंट रिएक्ट ऑन दैट ब्लाइंडली डोंट थिंक इट्स द गॉस्पुल ट्रू डोंट थिंक की उन्होंने ऐसा ही बोला होगा अगर आपको चीज चेक करनी है ना तो एक काम कीजिएगा कोई भी रिसेंटली जो स्कैंडल हुआ है या कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो बहुत ही पॉपुलर हुई है आप उसको जैसे मीडिया में पोर्ट्रे की जाती है अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस द्वारा आप वो देखिएगा और अब एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो उनकी वेबसाइट से आपको आराम से मिल जाएगी कि पब्लिश क्या हुई थी आप देखोगे की हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने इंक्लेशन के हिसाब से उस जजमेंट को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करता है ठीक है तो आइए शुरू करते हैं लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो अगर आप में से किसी को पेट का इशू है गट इशूज हैं फैमिली में किसी को टाइप टू डायबिटीज है हाई ब्लड प्रेशर है और यू टू यूट्यूव नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस आप प्लीज कॉन्टेट तो आइए शुरू करते हैं। पढ़ते, हैं पढ़ते हैं आर्टिकल में लिखा क्या तो अब ये टाइटल क्या है ये कहते हैं सुनील शेट्टी से डेथ इन जिम्स इज बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्स कोट एंड कोट एंड स्टेर इट्स हार्ट फेलियर एंड नॉट हार्ट अटैक तो देखते हैं क्या बात बोलते हैं पहले तो सुनील शेट्टी इज अमेजिंग शेप फॉर इज एज आई थिंक He looks incredible, he has aged like fine wine, so very fit guy. Or, I, I kind of like him too. Bollywood actress Mil highlighted the reasons for the rise in fatal incidents at gyms in light of factors like Puneet Rajkumar, Siddhant, Veer Suryavanchi, and Rajesh Srivastav either died.

में, में लोग काम करते हैं इनके जो जब भी काम होता तो बहुत लंबा काम होता है मतलब एक दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं जिन, जब ये शूट करते हैं अब चीज एक और जैसे मान के चलिए शाम को अगर आप जिम जाते हैं आप पूरे दिन शूटिंग की थके हुए उसके पहले प्री

रोज की एक्टिविटीज होती हैं वॉकिंग, क्लाइम्बिंग क्लाइंबिंग थ्रू कहीं स्टेयर कोई चीज उठाना ये बहुत मुश्किल हो जाती है तो अगर हम हार्ट फेलियर डिस्कस करें तो हार्ट फेलियर बेसिकली होता क्या कि हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता ताकि सारे सेल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन रिच न्यूट्रीन रिच ब्लड मिल पाए मतलब की जो रिक्वायरमेंट्स है हार्ट के ऊपर हार्ट कमजोर पड़ रहा है वो चीज को पूरी करने में तो जब ऐसा होता है तो हार्ट क्या क्या करने की कोशिश करता है और जो करने की कोशिश करेगा आप देखोगे एक्चुअली वार्निंग साइंस होते हैं कि हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वी नी डू समथिंग अबाउट इट सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट थोड़ा एनलार्ज हो जाता है और एक ऐसा होता है जब हार्ट के ऊपर आप प्रेशर ज्यादा डालते हैं तो ओवर टाइम हार्ट का जो साइज है थोड़ा बढ़ जाता है तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है ये एक्चुअली बड़े सारे एथलीट्स में भी चीज होती है कि अगर काफी लंबे टाइम तक अपने हार्ट को पुश कर रहे हो तो एनलार्ज हार्ट जो चीज है कुछ लोगों को बर्थ भी होता है लेकिन एथलीट्स में भी चीज काफी कॉमन है दूसरा क्या होता है कि हार्ट में ज्यादा मसल मास डेवलप होता है जैसे मैंने पहले बात की थी लेफ्ट थीपोट्रॉफी जैसे हमने बात की है कि अगर हार्ट के ऊपर आप ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तो हार्ट थोड़ा बड़ा होता है उसके मसल थिकन होते हैं इससे एटलीस्ट क्या होता है कुछ टाइम के लिए हार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गली

तेज होता है तो इसलिए बीपी की मेडिकेशन ऑफ कोर्स इज फाइन कि जब आपको बीपी के इश्यूज हैं लेकिन देखना ये पड़ेगा इन द फर्स्ट प्लेस ये जो ये जो मैकेनिज्म यूज किया बॉडी ने जो नैरोइंग नैरो ब्लड ब्लड वेसल्स की ये क्यों हो रही है बीपी का इशू एक्टली यही है तो बीपी का इशू है तो ऑलरेडी आपको हार्ट का कोई ना कोई छोटा मोटा दिक्कत जरूर है उसको सॉल्व करना पहले जरूरी है फिर दूसरी चीज क्या होती है कि बॉडी क्या करती है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पंप तो हार्ट ही है अगर लगे कि हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो जैसा ब्रेन है किडनीज है तो यहां से थोड़ा ब्लड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है बॉडी क्योंकि यहां पे जीने मरने वाली बात हो जाती है तो अगर हम ऐसे लाइफ में रह रहे हैं ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहां के ऊपर हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत है तो हमारी हेल्थ लॉन्जिविटी हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और जैसे अगर हम मेडिकेशन के हिसाब से देखें तो कई बार हमें लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है कि दिमाग में ब्लड फ्लो कम हो रहा है या किडनीज में कम हो रहा है बाकी चीजों में हो रहा है तो सिंपल है क्योंकि हार्ट के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना बहुत जरूरी है ताकि जो बॉडी है इस स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट से दूर रहे और बॉडी के हर एक सेल को प्रॉपरली ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिले और सब सही चले अब जो टेम्परेरी

टेस्टेड लेकिन बहुत सारों में नहीं होती पूछते हैं आपका गोल क्या भाई तीन महीने में तीस किलो कम करना है। ये लोगों, लोगों तो लो, की अगर आप काफी बड़े ले ऑफ के बाद आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं तो बी वेरी स्लो स्टार, वर्कआउट स्टार्टिंग वर्कआउट बोरिंग ही होनी चाहिए हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए अब मेरा जो लास्ट वीडियो था तब बड़े सारे लोग कोविड वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे फॉर हार्ट अटैक्स और

डेंजरस। जैसे आप कोरोना वायरस की बात करें तो मोस्टली प्रोडोमिनेटली लंग्स का इशू था लेकिन अगर क्लॉट बॉडी में कहीं भी नर्वस सिस्टम के क्लॉट की बात करें तो ये ब्रेन स्ट्रोक कॉज कर सकता है अगर किडनीज के आसपास कहीं क्लॉट हैं, तो किडनी फेलियर कर सकता है अगर आपने देखी हो, के टाइम पे बड़े सारे लोगों को जो पेरीफ्रल्स थे जैसे स्किन के टोज पे या टिप्स पे थोड़े रैशेज पर्पल रैशेज होने शुरू हो गए थे वो क्योंकि क्योंकि जो टाइनी ब्लड वेस्ल्स होती है वहां पे ब्रॉड ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं तो वहां पे रैशेज हो सकते हैं तो अब एक क्वेश्चन आता है कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन का अब देखिए हम कुछ कह नहीं सकते होता क्या है कि कोई भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेरेटिव होता है कि वो एक बड़ा पॉपुलर चीज होती है हाँ भाई कोविड वैक्सीनेशन से कुछ हुआ होगा क्या मुझे लगता है आई डोंट नो मैं कैसे बोल दू मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं की मैं पिछले काफी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ इतना डेटा है की कुछ बेसिस तो होनी चाहिए मैं बोलने को तो इसलिए मेरे पास कुछ बेसिस है नहीं मैं कुछ बोलता नहीं इसके बारे में लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और वो चीज़ क्या है खासकर पीडी यूसेज के बारे में कि पीडीज बहुत सारी जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं मेडिसिनली यूज भी नहीं होती है जैसे ट्रेन है मैं है, बहुत कम होती नहीं उसके बाद है। मतलब बहुत कम इनमें इन, इन से कुछ का तो ही नहीं। से जो हर कॉम्पिटिशन में यूज होती है अब हमें यह नहीं पता की जो पीडीज है और जो हमारी कोविड है क्या नहीं है फेंस तो कि, कि आपको पीडीज लेने कि नहीं लेने स्टिल वेट फॉर टाइम क्योंकि वी डोंट नो कि सब हो क्या रहा है क्योंकि डेफिनेटली एक चीज तो देखी है कोविड 19 के बाद ये लोगों के सुसाइड्स बॉडी बिल्डर्स के या हार्ट अटैक डेफिनेटली बढ़ गए कैन इट बी एन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वी डोंट नो हमें नहीं पता लेकिन जस्ट बी ऑन द सेफर साइड अगर आप हमने अभी प्लान नहीं किया पीडी साइड में तो कुछ टाइम से रुक जाएगी तो कॉज आई होप यू लर्न समथिंग फॉर दीडियो